नमस्कार दोस्तों, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है शिवांश जी के तरफ से। और वो पूछ रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशंस आप बनाते हैं, जैसे कि नीमा कॉम्बिनेशन या कैंट गैस फार्मूला या बोनिंगहसन कफ कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन को बनाने के क्या फार्मूलाज हैं, कैसे वो कॉम्बिनेशन बनाए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक फार्मूलाज बताऊंगा, बहुत ही बेसिक थ्योरीज बताऊंगा। अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो इन तीन बेसिक फार्मूलाज का हमेशा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉम्बिनेशन बनाने का सबसे जो पहला बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी है वो ये है कि अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो वो या तो फिर मदर टिंचर का होना चाहिए या डाइल्यूशन का होना चाहिए। कभी भी डाइल्यूशन के साथ अगर आप मदर टिंचर मिलाएंगे तो वो कारगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, असरकारी नहीं होगा और आराम नहीं लगेगा पेशेंट को। तो आप मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे कि अस्थमा कॉम्बिनेशन है मेरा, उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस ग्रैंडियेला पोथोस मदर टिंचर डली हुई है, या आप डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे कि नीमा कॉम्बिनेशन है या कैंट गैस फार्मूला है या नासा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो कि डाइल्यूशन बेस्ड है, इसमें डाइल्यूशंस मिली हुई है, जैसे कि नीमा कॉम्बिनेशन में नेट्रम्यूर है, एकोनाइट है, मर्क्सोल है और यूपोटोरियम पर्फ 30CH पोटेंसी में मिली हुई है। तो आपको सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है कि आप मदर टिंचर को अगर डाइल्यूशन में मिला देते हैं तो कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं बनता। तो आप या तो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाइए या तो डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनाइए। तो ये पहला बेसिक फार्मूला। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा भी बहुत ही बेसिक है दोस्तों, जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, खासकर जब आप डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसकी जो मेडिसिन है वो सेम पोटेंसी की होनी चाहिए। जैसे कि नीमा कॉम्बिनेशन की नेट्रम्यूर, यूपोटोरियम पर्फ, एकोनाइट एंड मर्क्सोल सभी 30CH पोटेंसी में डली हुई है। जैसे कि कैंट गैस कॉम्बिनेशन में रोबिनिया, पल्सेटिला, कार्बोवेज और एंटियम क्रूड, ये सभी की सभी 6CH पोटेंसी में डली हुई है। तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाए, खासकर डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन, तो आपके जो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन का जो पोटेंसी है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एकोनाइट आप 30 में डाल दिए और यूपोटोरियम पर्फ आप 200 में डाल देंगे तो उतना अच्छा असर नहीं होगा और कॉम्बिनेशन आपका उतना कारगर नहीं होगा। तो सेम पोटेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जितनी लोअर हो सके उतनी लोअर पोटेंसी यूज़ करना है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर लोअर पोटेंसी हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे 6CH पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करता है कॉम्बिनेशन, 30CH पोटेंसी में ज़्यादा अच्छा काम करता है, कभी कभी 200 में भी काम करता है, लेकिन 6CH और 30CH में ज़्यादा बेटर काम करता है। तो लोअर पोटेंसी और सेम पोटेंसी, इनका ध्यान ज़रूर रखें। ये दूसरा फॉर्मूला है। अब तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा फार्मूला ये है कि जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन्स हैं वो, उनके जो सिम्टम्स हैं, उनके जो लक्षण हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी मैच करने चाहिए। और वो लक्षण ऐसे होने चाहिए जो आप बीमारी ठीक कर रहे हैं उनके लक्षणों से मैच करें। जैसे कि अगर किसी को दर्द है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो मेन जो लक्षण है वो है पेन। अगर आप पेन क्लोज कॉम्बिनेशन मेरा देखें तो पेन क्लोज कॉम्बिनेशन में चार मेडिसिन है, ब्रायोनिया, रक्सटॉक्स, मैकफॉस और आर्निका, जो कि बहुत ही सिंपल मेडिसिन है। और सभी के सभी जो लक्षण आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी सारे लक्षण उनके एक साथ मिलते हैं। तो बस आपको ऐसे मेडिसिन मिलानी है जिनके लक्षण एक साथ मिलते हों और जो लगभग सेम मेडिसिन हों। कुछ पिक्यूलियर्स लक्षण सबको अलग अलग करते हैं सब मेडिसिन को, जैसे ब्रायोनिया के कुछ पिक्यूलियर लक्षण हैं और रक्सटॉक्स के कुछ पिक्यूलियर लक्षण हैं, साथ में आर्निका के कुछ पिक्यूलियर्स लक्षण हैं, अलग लक्षण हैं, लेकिन कुछ बहुत ही सेम कॉमन सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स को हमेशा ध्यान में रख कर ही कॉम्बिनेशन बनाएं। और वो जो कॉमन सिम्टम्स हैं मेडिसिन के, वो कॉमन सिम्टम्स आपके डिसीज़ के सिम्टम्स से मिलने चाहिए, तभी वो कॉम्बिनेशन उस बीमारी में फ़ायदेमंद होगा
और लाभकारी होगा। तो जैसे कि अगर आप अस्थमा कॉम्बिनेशन की बात करें, उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस, मदर टिंचर, ग्रैंडियोला और पोथोस है, तीनों के ही कुछ लक्षण, खासकर सांस संबंधित लक्षण काफ़ी मिलते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस के, ग्रैंडियोला के और पोथोस के। पैथोलॉजिकल कंडीशन भी काफ़ी मिलती है एलर्जी से रिलेटेड, और इसीलिए वो कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतर है। ऐसे ही अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे कि आप मेरा जो एब्डोमेन पेन के लिए मैंने कॉम्बिनेशन बताया है आप लोगों को, मैक फर्स्ट वन एम कोलोसेंथ वन एम, हालांकि वो पोटेंसी हायर है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं इसलिए उसमें मैंने पोटेंसी हायर रखी है, लेकिन मैक फर्स्ट और कोलोसेंथ इन दोनों के ही लक्षण अगर एब्डोमेन के देखें तो लगभग सेम से मिलते हैं, सेम से लक्षण हैं, और उन दोनों को मिला दें तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इन तीन फॉर्मूलास को हमेशा याद रखें, पहला मदर टिंचर और डाइल्यूशन को ना मिलाएं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएं, कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा ना बनाएं जिसमें मदर टिंचर और डाइल्यूशन हो। अगर आप डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसकी मेडिसिंस की जो पोटेंसी है वो सेम होनी चाहिए, और तीसरा जो मेडिसिन आप मिला रहे हैं कॉम्बिनेशन में उन मेडिसिंस के जो सिम्टम्स हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए, और वो कॉमन सिम्टम्स आपके डिसीज़ के कॉमन सिम्टम्स से ज़रूर मिलने चाहिए। तो बस इन तीन सिंपल से फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मेरे इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आगे भी आते ही रहेंगे, और उनको यूज़ करिए, वो बिल्कुल आपको बना बनाया पका पकाया मिलेगा और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ सबसे पहले उसको अपने क्लिनिक में लगभग एक साल डेढ़ साल तक यूज़ करता हूँ, अपने पेशेंट्स को देता हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं तभी मैं आपको बताता हूँ। तो ज़रूर मेरे कॉम्बिनेशन मेडिसिंस कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, तो मैंने एक कॉमन क्वेश्चन लेके आपको एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये आंसर आपको अच्छा लगा हो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आशा करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो हर दिन जो अच्छे वीडियोज़ आते हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, और साथ ही साथ जो लाइव क्लिनिक आता है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ उसकी भी नोटिफिकेशन मिलेगी, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ नीचे मैसेज सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।